तो भैया अब टाइम आ चुका है यहाँ से अलविदा लेने का। भाई ये बस स्टैंड है और चल रहे हैं अंदर। कैंसिल कुंसिल ना कर दे यार, बैगेज के अलग से एक्स्ट्रा पैसे दो, करप्शन। हम आगे एंटर कर जाएं और आपको फिर दिखाते हैं रशिया। सो फाइनली भैया पहला ब्रेक लिया गया है। लो है, नेटवर्क ही नहीं आ रहे यहाँ पे। अंकल आर्मी में थे, रशिया के अंदर हालत खराब हो जाएगी अगर मेरा ये घूम गया तो, क्योंकि इसके बाद सीधा बॉर्डर एरिया अंधेरा भी हो जाएगा, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस होगा। बॉर्डर के ऊपर है, अब इसको क्रॉस करना है, इमिग्रेशन वगैरह करके फिर करते हैं बात। वेलकम टू रशिया। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कजाकिस्तान। ये अपना हॉस्टल था, लाइट करके हॉस्टल है। सर्विसेज ठीक थी पर एक चीज थोड़ी गड़बड़ थी कि मतलब पूरे हॉस्टल में एक ही टॉयलेट था और नहाने का भी एक शावर था, मतलब लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। तो भैया अब टाइम आ चुका है यहाँ से अलविदा लेने का और यहाँ से निकल के जाने का रशिया। यस, बस मैंने ऑलरेडी बुक कर ली थी, अराउंड मेरे को पड़ी थी 18,000 टेंगे की टिकट। अभी जा रहा हूँ बस स्टेशन के पास, 9:30 हो गए हैं, 11 बजे की अपनी बस है। मैं क्या पहले जाया जाए, हर जगह आप ध्यान रखना, कभी ट्रेवल कर रहे हो पहले चले जाओ, ज्यादा बेटर है। बाकी सब बढ़िया है, देखते हैं क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लैंड बॉर्डर के थ्रू, वो भी बस से, तो क्या रहेगा पता नहीं भाई। पर एक चीज है कि मैंने रिटर्न टिकट अपनी ऑलरेडी बुक कर ली है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि लास्ट टाइम भी कि दिक्कत हो सकती है। डिटेल के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ पूछना हो तो भैया हम जवाब देते हैं, बाकियों की तरह नहीं है जो जवाब नहीं देते। तो भैया ये खूबसूरत गलियां, बहुत ही प्यारा मौसम, और यहाँ वो मौसम चल रहा है जैसे हमारे यहाँ पे ना दिल्ली की ठंड होती है ना जनवरी वाली, वैसे वाली ठंड है। अभी आगे इसी मंथ के एंड तक स्नो पड़ जाएगी और यहाँ स्नो पड़ती है -40 -50 तक जाती है भाई साहब। मुझे कल स्टूडेंट मिले थे, वो बता रहे थे भाई पिछले साल तो जून के अंदर यहाँ स्नोफॉल हो गया था। थोड़ा टाइम यहाँ गर्मी का रहता है, कल करेंसी एक्सचेंज कराने के चक्कर में मैं सारे के सारे टेंगे मैंने चेंज करा लिए, पैसे नहीं बचे मेरे पास। जैसे जैसे करके बॉर्डर क्रॉस करें और रूबल से काम चलाएंगे। अब यहाँ से अपने को लेनी है 40 नंबर बस, जो कि सीधा बस स्टैंड उतार देगी पूरा बस स्टैंड। तो कितना प्यारा बच्चा है, लोग ना लेडीज़ यहाँ पे हेलो प्रीवियत, लोग बच्चों को लेकर ना बस में ऐसे ही ट्रॉली के साथ ही चढ़ जाते हैं यहाँ पे। हेलो भाई, सामने घर बनता देख रहे हो ना, ये लकड़ी का बन रहा है। शहर से बाहर लकड़ी के ही घर बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर वगैरह में बनते हैं। भाई बस में बहुत भीड़ है सुबह सुबह, साथ में लड़की बैठी है, इसने हेल्प कर दी है। तो भाई ये जो लड़के हैं ना, ये जितने बैठे हैं सब मतलब मस्ती कर रहे हैं फुल ऑन मेरे साथ। भाई ये कि यहाँ पे नंदी बहुत फेमस है, मिथुन चक्री बहुत फेमस है, वो। भाई हिंदी गाने सुना रहा है और यहाँ डांस कर रहे हैं, सब म्यूजिक चल रहा है, देखो। टाइम से पहुंच गए और गाने वाने कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, और ये जा रहे हैं कॉलेज, इनकी यूनिवर्सिटी सामने ही है, अपने ही सामने बस स्टैंड है, ये रेलवे स्टेशन है और अपनी 11 बजे की बस है। सुबह की शुरुआत तो अच्छी हुई है, बस आगे भी सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ना कुछ एक चैनल देखता हूँ मैं ना, उल्टी सीधी वीडियो बनाते रहते हैं इमिग्रेशन को लेके, रशिया को नेगेटिविटी ज्यादा फैला रहे हैं कि भैया ये हो गया वो हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ सब ठीक रहे, वैसे होना तो कुछ नहीं चाहिए। भाई ये बस स्टैंड है और चल रहे हैं अंदर। टिकट मैंने बताई थी आपको 18,000 टेंगे की पड़ी, लगभग 3200 रुपए की टिकट थी। यहाँ से अस्ताना से है, कुस्ताना क्रॉस करते हुए, कुस्ताना पड़ता है आपका कजाकिस्तान में, फिर बॉर्डर क्रॉस होते चिली बेक करके जगह है। 10 नंबर से चलेगी शायद बस, कुछ इस तरह का बस स्टैंड है, अंदर की तरफ टिकट्स वगैरह काउंटर वगैरह रहते हैं। बस वेट करते हैं, 10 बजे हैं, 1 घंटा पहले हम पहुंच गए हैं। कि कभी आपको ट्रैवल करना हो तो भैया टाइम से पहले पहुंच जाओ, क्योंकि भैया कुछ भी 19:20 हो सकता है। हो सकता था मैं गलत बस ले लेता, कहीं यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वेट ही करना पड़ जाएगा। पर अगर लेट हो जाओगे तो वो आपका काम छूट जाएगा। मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, बस 10:30 हो चुके हैं, यहाँ ऐसे सुनसान हो रहा है जैसे साला ये बस स्टैंड नहीं कुछ और ही हो, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई सवारी ही नहीं है भाई मेरे अलावा लग रहा है, और एक दो बेचारा एक कपल पीछे बैठा हुआ है। तो पता नहीं भाई, जो भी होगा आगे पता चल जाएगा। वैसे तो साला पैसे लिए तो मुझे लगता है अगर मैं टुकड़ों में जाता शायद सस्ता पड़ता, पर टुकड़ों में रिस्क रहता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी। टुकड़ों में यानी मैं बॉर्डर तक जाता, उसकी टिकट सस्ती थी, वो थी 4-5 हज़ार टेंगे की ट्रेन से, और उसके बाद फिर बॉर्डर से आगे बस मिल जाती है। पर दिक्कत ये है कि मैं बॉर्डर तक जाता और आगे की बस के टाइमिंग अगर सूट ना करते तो शायद मुझे रुकना पड़ जाता, रहना खाना वो महंगा पड़ जाता, टाइम वेस्ट होता वो अलग, समझ लो ना। तो इसलिए मैं कहा कोई बात है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो पर पहुंच जाए सीधा। तो बस यही है अपनी कहानी अभी तक की जुबानी, आगे बताएंगे आपको जो भी रहेगा। 2 बसेस खड़ी हैं, लोग लगता है यहाँ से जाते नहीं है, क्या सिस्टम है कुछ नहीं पता। ट्रेन तो बहुत ज्यादा महंगी थी, मैंने जो 18,100 की टिकट ली है ट्रेन की टिकट थी 40,000 टेंगे की, लगभग 7,500 की, उससे सस्ती शायद फ्लाइट मिल जाती। 11 बजे की बस थी, 11
11:05 हो चुके हैं, अभी यहीं खड़े हैं। बस का कोई नामो निशान नहीं है। ये कह रहे हैं आएगी, अब पता नहीं कब आएगी और कब जाएगी। कैंसिल कुंसिल ना कर दे यार, दिन खराब हो जाएगा यार, समझा करो। मैंने रिटर्न टिकट भी कर ली है। चलो शुक्र है बस आई है, सवारियां लेती हुई आ रही है। शायद और भी कोई स्टैंड होगा यहाँ का, इनका पता नहीं बैग वैग रखवाएंगे नहीं रखवाएंगे। सो भाई बस में तो बैठ गए फाइनली, और टिकट भी कह रहे हैं कि भैया बैगेज इंक्लूड नहीं है, बैगेज के अलग से एक्स्ट्रा पैसे दो। करप्शन यहीं से स्टार्ट हो गया। तो मैं कहा छोटा सा बैग है भाई, मुझे बस के अंदर ही दे दो। 800 रूबल मांग रहे थे, समझ गया था मैं जानबूझ के। मैं कहा नहीं है नहीं है नहीं है, बेवजूद में क्यों पैसे बांटने। 800 रूबल मतलब हो गया 600-700 रुपए। बाकी कुछ इस तरह की बस है इनकी। फाइनली बस मिल गई है, मैंने पंगा तो ले लिया इससे, पैसे ना देके अब आगे ना परेशान करे। देखा जाएगा यार, जो भी है हम कोई गलत तो है नहीं। अंदर थोड़ा वो है, नम नम सही है सारा मौसम। सीट के नीचे घुसेड़ दिया, कोई कोई पीछे आएगा तो उसको परेशानी जरूर होगी, उसकी टांगे सीधी नहीं होगी, वो लात मारेगा मेरे बैग को। मेरे ख्याल से खाली है बस, ज्यादा भीड़ है नहीं बस में। अभी अगला 20 घंटे का सफर है। वैसे भाई हमारे इंडिया में तो नहीं होता बस के साथ, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो इतना लंबा सफर, 20 घंटे का सफर है भाई साहब। कह रहे हैं भैया लगेज इंक्लूड नहीं है, कमाल कर दी भाई इन्होंने, वो फ्लाइट वाला सिस्टम बना दिया, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे यहाँ भैंस की रंग बंदा 4-4, 5-5 टैची ले लेके घुस घुस को चढ़ जाता है। अच्छी खासी टिकट है यार, 3200 की टिकट है, अराउंड 1050 किलोमीटर है सारा। पेट्रोल भी सस्ता होने के बावजूद ये हाल इनके। कह रहे थे कि भैया बॉर्डर के पास जब क्रॉस करेंगे ना, फिल्मिंग वगैरह मत करना वरना दिक्कत हो सकती है। तो मतलब समझ नहीं आता फिल्मिंग। फिर उसने बताया तो मेरे को समझ आ ही गया, ट्रांसलेटर बहुत जरूरी है भाई यहाँ पे। 11:30 हो गए, अब स्टार्ट हो गई है, निकल गए अपने सफर पे। ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है, नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, नया सफर। बस हम आगे एंटर कर जाएं और आपको फिर दिखाते हैं रशिया। यस, रूट कौन सा ले रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, ट्रेन का रूट तो मुझे पता था। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ से जाएगी। वैसे 1000 किलोमीटर 20 घंटे लगने वाले हैं। हाईवे पे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से भाई, अभी तक तो पता नहीं चल रहा कौन से रूट लेके जा रहे हैं। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, मतलब ख्याल से मुश्किल से 15-20 दिन में ना यहाँ जबरदस्त स्नोफॉल हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और कजाकिस्तान बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। सो फाइनली भैया पहला ब्रेक लिया गया है और हम यहाँ पे, मेरे ख्याल से बाथरूम खाने खुने का कोई सिस्टम है। ये भाई साहब हमारे कंडक्टर साहब हैं। योर नेम? पर बंदा नाइस है, अभी रशिया जाएंगे लोगों से मिलेंगे, अच्छा लगता है। यहाँ के लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, सो मच स्मोकिंग। नो थैंक यू। और यहाँ कुछ सामान सामान बिक रहा है भाई खाने खुने का, व्हाट इज दिस? एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। चलो भाई ये शायद लोकल, एक्चुअली मैं आसपास विलेज लगते हैं ना, मेरे ख्याल खाने पीने का सामान काफ़ी कुछ बिकता है यार यहाँ पे। ये लोकल आइटम्स है सारी, मुझे लग रहा है कोई कीड़े मकोड़े। ये अखरोट का है, फ्रूट्स का यार, जैम्स वगैरह। और मेरे ख्याल से बाथरूम करने रुके हैं, सुसु कर लेते हैं। ये बस है अपनी, खुली डुली है, सवारियाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ नंबर लग रहे हैं, अंदर वाईफाई बैटरी चार्ज है, वो कॉफ़ी मशीन भी है। हेलो प्रिवियत, सिक्के इकट्ठे हो रखे हैं, इसको ख़त्म करना है। तो भैया यहाँ खाने खुने को भी मिल रहा है, ब्रेड्स वगैरह, मैं अगर कुछ ना कुछ एक पूछ लेते हैं, कुछ बचा हुआ अपने पास। और यहाँ लोकल सिम वगैरह भी मिल रही है। अच्छा वहाँ से जो लोग आते होंगे ना सिम यहाँ से ले लेते होंगे। तो यहाँ लिखा हो 500 टेंगे की सिम है। हाँ नेट नॉट वर्क। हाउ मच? 350। दिस इज वेज चिकन वेज चिकन। अरे अरे वेरी स्लो, नेट बड़ा स्लो है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा यहाँ पे। अरे आ जाए भाई नेटवर्क, इट्स अ चिकन और व्हाट, नेटवर्क ही नहीं है। तो भाई मैंने तो यार ये ड्रिंक ले लिया है। वैसे मैं देख रहा था ना यहाँ के जो लोकल विलेज वाले थे ना, जो पहले विलेज होते थे, उनकी इस तरह की हट्स होती थी, वो देखो जो पीछे बनी हुई है। ऐसे सिस्टम रहता था यहाँ गाँव वालों का, अभी भी शायद गाँव का ही है, शायद कोई विलेज का ही है। इनका वो अपना स्टॉल है, वहाँ शायद बैठने का रेस्टोरेंट टाइप का होगा खाने का। हाँ ये गांव का सिस्टम है और ये ना यहाँ कुकिंग करते हैं, वहाँ बैठ सकते हो। तो ये गांव का ही सिस्टम है भाई, एनर्जी ड्रिंक। सारे लोग बैठ ही गए हैं मेरे ख्याल से, मैं ही रह गया हूँ। चलो जी चलो, लोग बहुत गिनती के, लोग है ही नहीं, खुल्ले डुल्ले होके जा रहे हैं। और ये पीछे कपल बैठा हुआ है, ये फुल मस्ती कर रहा है भाई साहब। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। एक्चुअली जिस टाइम पे हम हैं ना, इसमें पतझड़ हो रहा है, मतलब जाता हुआ सावन होता है ना, वो पहाड़ है और आगे लेक है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे। वो पहाड़ आगे पूरी लेक है, मतलब कजाकिस्तान की नेक्स्ट लेवल की ब्यूटी है। अंकल ना आर्मी में थे तो अंकल बात करके बता रहे, अपनी फ़ोटो वोटो दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग ना बहुत सिंपल तरीके से ट्रैवल करते हैं, दो जूते लाए थे। और यहाँ पता क्या चक्कर है, जूतों को लेके ना बड़ा वो कहा जाता है, अगर चप्पल पहन के घूमोगे लोग कहेंगे यार पता नहीं अजीब है आर्मी में जूतों को पहन के घूमते हैं यार, मतलब हमेशा जूते, चप्पल में ना आपको डाउन क्लास समझते हैं। और ब्रेड लेके आए, वो जो ब्रेड पड़ी ना वो ब्रेड है, वो खाते हैं ये लोग यहाँ पे। पर जब भी कोई पहाड़ कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ आती है ना, अंकल कहते हैं पहाड़ आ गए, झील एक आ गई, ये झील आ गई, अपनी बता देते हैं। समझ कुछ नहीं आ रहा, पर इशारों में बात होती है। अंकल आर्मी में थे, फोटो दिखा रहे हैं। अरे रिटायर्ड हो गए मेरे ख्याल से है ना,
आईडी कार्ड गले में टांग रखा है। लैंग्वेज का थोड़ा इशू रहता है, अदरवाइज लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं, जगह बहुत प्यारी है। और अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम ना होना सिटी में, हमारे कई सारे इंडियन भाई बंधु तो यहाँ के बस हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ही वेल सेटल सिस्टम है सारा। बाकी पता नहीं अब कोई जगह है भाई, धूप इतनी गंदी लग रही है यार। भाई बीच में एक सिटी पड़ी है जिसका नाम है कोस्टेशू, पता नहीं क्या नाम है भैया, वो नीचे स्क्रीन पर दे दूंगा, अजीब से नाम है। तो शायद यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, सवारियाँ सूर्य लेंगे। टोटल सफ़र था मेरे ख्याल से 1000 समथिंग का, और अभी दिखा रहा है 700, लगभग 300, 350 किलोमीटर तो चला गए आप ही के भाई। 4 घंटे में इन्होंने 300 किलोमीटर कर दिए। तो यहाँ से बस टर्मिनल है, शायद एक ही बंदा चढ़ा है, बाकी तो पीछे एक कपल है, वो तो पूरा लेट लेट के लोड पोट के और पता नहीं क्या क्या करते हुए जा रहा है यार। जिस हिसाब से चल रही है मेरे हिसाब से जल्दी पहुँचा देगी, पर हाँ थोड़ा बॉर्डर इमिग्रेशन में वहाँ टाइम लग सकता है। जिस हिसाब से इसका टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे पहुँचने का। भाई बस में मुझे मिल गया इमिग्रेशन फॉर्म, ये जो पर्चा है ना ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर मेरी एंट्री हो जाती है भाई, इसको मुझे संभाल के रखना है, रशिया के अंदर हालत ख़राब हो जाएगी अगर मेरा ये गुम गया। और अगर ये गुम गया और मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा तो मुझे डायरेक्टली मॉस्को जाना पड़ेगा, उससे पहले मुझे और कहीं रुकने के लिए परमिशन तक नहीं मिलेगी भाई। तो इसको भरते हैं, शुक्र इसके अंदर इंग्लिश भी है, ये चीज़ अच्छी है। थैंक यू ब्रो। रशियन लिखी है, उसके नीचे इंग्लिश लिखी हुई है। हॉस्टल का नाम पूछ रहे हैं जहाँ आप जा रहे हो, कब घुसना है और कब निकलना है। सो गाइस एक और ब्रेक, खूबसूरत जगह, बहुत ही प्यारे, मतलब एक गांव का कुछ शायद कल्चर सा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये कुछ बना हुआ है यार, वो भाई कहाँ रह गया, उसको मैंने पेन देना है वापसी। और ये कोई खूबसूरत सी जगह है यार, अंदर देख के आते हैं क्या है। पर थोड़ी देर में शायद बॉर्डर बूटर के पास पहुँचने वाले हैं। ये खाने खुने को बना हुआ है यार, वो थोड़ा पूछ रहा था कि कब हम एंटर कर लेंगे, तो आज ही एंटर कर लेंगे। और दूर दूर तक खेत ही नजर आ रहे हैं, वो शायद कुछ बीच में बना हुआ है यार, इस तरह के यहाँ पे वो है। रुकती हैं, जैसे हमारे वहाँ पे चहल पहल रहती है ना भैया, जैसे हाईवे पे दुनिया भर के ढाबे ये वो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा सुनसान रहता है। और गिरेबान मतलब पूरा का पूरा ना जंगल ही है, दूर दूर तक ना आबादी बहुत कम है। एक वहाँ दिख रहा है शायद उधर से आने वाली बस का होगा, और बाकी तो देखो खुल्लम खुल्ला मैदान है यार। पर जो भी कह लो बहुत ही खूबसूरत है। मशीन तो अंकल ये आर्मी में थे, आर्मी से ये खेती बाड़ी करने के लिए ना, वो जा रहा है सामान में जा रहा है। समझ तो नहीं आ रहा, पर जो इशारे हैं वही समझ आ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ बढ़िया तरीके से एंट्री उंट्री हो जाए, सारे काम हो जाए, वैसे हो जाना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी कमी हो, अपना रिकॉर्ड भी अच्छा है, दिल्ली का पासपोर्ट है। पंजाब वालों को दिक्कत होती है जनरली, क्योंकि वो पंजाबी में बात करते हैं, और पंजाब वाले ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो करते हैं, क्या कहते हैं उसे, भूल गया मैं, बॉर्डर क्रॉस कसकस करके जाते हैं। वो काम के चक्कर में भैया बॉर्डर क्रॉसिंग वालों के बेचारों की हालतें खराब हो गई है। इस चक्कर में ना छोटी छोटी कंट्री है, जो कंबोडिया वियतनाम लॉस ऐसी ऐसी कंट्री हैं, विशाला मतलब लोगों को वो करने लग गई हैं। ये जो डोंकी वाले जो डोंकी करते हैं, इनके चक्कर में अपनी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये बॉर्डर क्रॉस करके सस्ते सस्ते में जाते हैं। इस वक्त इंडिया से ना फ्लाइट है नहीं डायरेक्टली यहाँ से, मैं जितनी फ्लाइटें सर्च करोगे, और जो फ्लाइटें हैं बहुत महंगी है। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे कजाकिस्तान के थ्रू जाने का, और फिर मैंने वीज़ा अप्लाई करा, मैं देख लेते वीज़ा अप्लाई करे, वीज़ा ही मिल गया, तो मैं ठीक है भाई। ई वीज़ा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है 1 अगस्त से, जो कि बहुत सिंपल है। वैसे कायदे से तो जो उसकी फीस बनती है ना वो है लगभग $40 होते हैं लगभग 3200-3300, पर ये कन्वर्जन चार्ज क्योंकि रूबल डायरेक्टली नहीं जा रहा, वाया चाइना के थ्रू जाएगा, तो चाइना की एक वेबसाइट के थ्रू आप जाओगे अराउंड 4200-4300 रुपये चले आएगा। इसका पूरी डिटेल मैं आपको होगा मैं बता दूंगा। फिलहाल ये वॉशरूम है 24/7, और इसका नाम है कैफे सिंस 1998। शाम के हो चुके हैं 6:15, और हम पहुंच चुके हैं ये कोई बॉर्डर से कुछ टाइम पहले ना एक जगह पड़ती है, इसका नाम है बिश्कुल, और उसके बाद आने वाला है आपका पेट्रोपविल। एक्चुअली मेन जो मैं ट्रेन जिसमें आया था ना मैं अलमाटी से अस्ताना, वो पेट्रोपविल ही आ रही थी, और जस्ट उसके बाद बॉर्डर ही लगता है। मैं तो आगे ही जाना है, ये बस ने अपने आप ले जाएगी, कहाँ से लेके जाना मुझे मालूम नहीं है। 6:15 हो गए, और थोड़ी देर में शायद अंधेरा हो जाएगा। बस पीछे कपल ये इंजॉय कर रहे हैं, बाकी तो सब साला बैठे हुए हैं, बोर ही हो रहे हैं। ट्रैवल में होता है ये भी होता है। बाकी कुछ पूछना ताछना हो तो फॉलो कर लेना भैया इंस्टाग्राम पे, और लाइक वाइक मार दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, भाई को सपोर्ट वोट करो यार थोड़ा सा। भाई ये कोई बिश्कुल जगह है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है यार, गाँव में कोई टाउन सा होगा बिश्कुल। ये पेट्रो अभी नाम बता देना उससे पहले पड़ता है, ये विलेज ही है यार, काफ़ी खूबसूरत है यार। वाह, मैंने ना ऐसे जो गांव है ना आपके बेलारूस साइड में देखे हैं, मज़ा आएगा रशिया घूमने में मज़ा आएगा। बस घुस जाएं अंदर, वहां पे ऐसे विलेज बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो गाइस हम पहुंच गए पेट्रोपविल। पेट्रोपविल जो मेन, अगर आपको ट्रेन से आना है अस्ताना अलमाटी कहीं से भी, तो भैया यहीं तक ट्रेन आती है, उसके बाद आगे फिर यहाँ से बस वस लेके आगे बॉर्डर तक जाते हैं। पर हमने तो अस्ताना से डायरेक्टली ले लिए,
तो पेट्रो पवेल का ये मेरे ख्याल से बस स्टैंड है और पीछे ही इसका ट्रेन स्टेशन है। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, बस स्टैंड और ट्रेन स्टेशन दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब कोई गड़बड़ नहीं होती, बंदा भटकता नहीं है बस के लिए उधर जाओ ट्रेन के लिए उधर जाओ, ये ऐसे स्थान है। थोड़ा बाहर घुमाते हैं दिखाते हैं, बस रुकी है। तो भैया ये है अपना इनका बस स्टैंड, बसें वैसे तो ज़्यादा खड़ी होती नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर, पर ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही मुझे यहाँ पे। ये पीछे की तरफ था इनका रेलवे स्टेशन, बहुत ही प्यारे प्यारे गांव आए थे बीच में यार, सच बता रहा हूँ मुझे ऐसे गांव को एक्सप्लोर करना था, वो मौका लगा नहीं, मौका नहीं मतलब उस जगह पे ना थे ही नहीं वो गांव, जहाँ जा रहे हैं वहाँ होंगे, नहीं तो आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ होंगे, पर मज़ा आएगा। एक्चुअली इनके गाँव ना बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे टाउन में घूमने का मज़ा आता है, ऐसे टाउन में जब लोग अपने घर लेके जाते हैं ना तो उसका ही मज़ा कुछ और है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं नो डाउट। यहाँ से मेरे ख्याल से सवारियाँ सूरी और उठाएंगे उसके बाद यहाँ से भी निकल जाएंगे। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर रेसलर, वॉशरूम हुआ थे। देखो वैसे यहाँ चोरी होती नहीं, मेरा सामान बस में पड़ा हुआ है, ये मुझे टॉयलेट के लिए मैंने बोला है कि टॉयलेट के लिए लेके जा रहे हैं, यार हर चीज़ पे पैसे क्यों मांगते हुए समझ आता है, ये मुझसे फिर कह रहे हैं पैसे लगेंगे। बस स्टैंड है ओके दिस वे ओके वो आए फटाफट बाथरूम हुआ यार। लोग बहुत अच्छे हैं, रखमित रखमित। एक्चुअली मैं क्या है कि वो करेंसी जो मांग रहा था ना वो करेंसी कह रहा था भैया यहाँ पैसे लगेंगे, और मेरे पास टेंगे हो चुके थे ख़त्म, और मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दी कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे ऐसे जाने दो, तो उन्होंने जाने दिया। मैंने क्लियर मतलब वो थोड़ा दिक्कत हुई थी समझाने में, पर कोई बात नहीं होता है यार, ठीक है। ये यहाँ का ना अंदर बस स्टैंड है और वहाँ सामने है रेलवे स्टेशन, पूरा रेलवे स्टेशन। अच्छा यार सब कुछ ठीक है और चलते हैं बस में, मेरा सामान सामून भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरा ना फेस सारा ख़राब हो चुका है और अभी क्या है कि ड्राइनेस हो रही है पूरे फेस पे, सॉरी मेरे से गलतफहमी होगी, मैं सोच रहा था ना कि भाई ड्राइवर वाला बंदा पैसे मांग रहा है और ये मुझे लगा था बड़ा गुस्से वाला है, गुस्से वाला नहीं है स्वीट सा बंदा है, वो थोड़ा सा इनका बोलने का तरीका ना थोड़ा वो ऐसा ऐसा इसलिए ऐसा लगता है, और कुछ नहीं है, बस वेटिंग वेटिंग हो रही है। यू आर फ्रॉम रशिया? विच प्लेस? भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इतना ही पता है रशिया बोला, उन्होंने कहा यस। अब मेन सफ़र स्टार्ट होता है तो क्योंकि इसके बाद सीधा बॉर्डर एरिया अंधेरा भी हो जाएगा, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस होगा, इमिग्रेशन वगैरह होगी क्योंकि मेरी होगी, ये लोग तो लोकल है रशियन है और इनको कोई दिक्कत होती नहीं है, दिक्कत अपने को है क्योंकि अपना इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन पासपोर्ट बदनाम हो रखा है, मतलब इंडियन पासपोर्ट बदनाम नहीं हो रखा है कुछ लोगों की वजह से ना जो वो करते हैं, उसके चक्कर में ना बड़ा फसूड़ी पड़ी हुई है। 11 बजे का टाइम था, 11:30 बजे बस आई, फिर मेरे को पता चला कि भाई ये ऑलरेडी ना जगह जगह सवारियाँ रुकती रुकाते उठाती हुई लेके आएगी, बीच में जितने जितने गांव विलेज पड़े वहाँ इससे रुकी सवारियाँ लेके फिर आगे चलेगी। सिस्टम तो बहुत सॉर्टेड है पर थोड़ा सा डाउट होता ना यार, मैं कहा इतने ना मेरा दिन खराब हो जाए कि अंधेरा होने वाला है, ऑलमोस्ट 6:30 7 हो गए हैं। सुनने में तो आया था कि रशिया में अंधेरा लेट होता है पर यहाँ अंधेरा होने वाला है बिल्कुल सेम है हमारे इंडिया की तरह, और ठंड फिलहाल कम है एज कम्पेयर अस्ताना। भाई खूबसूरत सिटी है ये भी, पेट्रो पेविल मतलब पूरा डेवलप है यार, पूरा ही कजाकिस्तान डेवलप है। तो फाइनली भैया बस बिल्कुल बॉर्डर के पास रुक गई है, यहाँ इमिग्रेशन वगैरह होगा शायद, चेकिंग वेकिंग होगी और बोर्डिंग पास जो बनाया वो चेक कराना है, बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो भैया आपको घुमाते हैं फिर रशिया। वेलकम टू रशिया होने वाला, बस ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। यस तो पसंद कोई पता नहीं क्या पूछ के भाग गया, अपनी भाषा में कुछ बोला है अमेरिका ये वो, मैं कहा इंडिया, बस इंडिया पूछ के वो भाग गया, अब पता नहीं क्या कहाँ गया, क्या होने वाला मालूम नहीं। फिलहाल ये है कि बस हम बॉर्डर के ऊपर हैं, अब इसको क्रॉस करना है इमिग्रेशन वगैरह करके फिर करते हैं बात, हमें उतरना है रुकना है बुलाएंगे क्या करना है कुछ नहीं पता, वो बंदा गया हमारा जो कंडक्टर था ना भाई नीचे उतरे, मैं कहा शायद इमिग्रेशन वगैरह होगा कुछ होगा, एक डब्बा था बना सब बाथरूम करके बाहर आ गए, अब कह रहे अंदर जाएंगे ना रशिया के अंदर तो वहाँ इमिग्रेशन होगा, तो चलो भाई ऊपर वाले का नाम लेते हैं, हर महादेव जय माता दी जय श्री देव बाय। चलो सब कुछ हो गया तो आपको अगले 15-16 दिन रशिया घुमाएंगे बढ़िया तरीके से, अब शायद रुकेंगे इमिग्रेशन वगैरह होगा। और बहुत ही बेकार सड़क थी, मतलब लाइट वाइट तो है ही नहीं बाहर, पूरा अंधेरा, मतलब हमारे जैसे वहाँ वहाँ सड़कें होती ना कुछ बुरी वाली सड़क से निकल के आए हैं, देखते हैं वहाँ तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं, मैं आपको बता दूँ बस बॉर्डर के पास ही है, ये समझ लो कि यहाँ ये सामने खेत क्रॉस करके ना खिड़की से वहाँ रशिया ही होगा जो मुझे मैप में दिख रहा है मैप के अकॉर्डिंग।